दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक फ्लैग होस्टिंग ड्रोन, क्योंकि जल्द ही हमारा 15 अगस्त आने वाला है और इस इंडिपेंडेंस डे हम चाहते हैं कि आप भी अपना खुद का फ्लैग होस्टिंग ड्रोन बना सको। इस ड्रोन को बनाने के लिए हम ऐसे पार्ट्स का यूज करने वाले हैं जो बहुत ही सस्ता है और इंडियन मार्केट में ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको सभी पार्ट्स आसानी से मिल जाएगा। तो आओ मेरे साथ इस इंडिपेंडेंस डे हम मिल करके कुछ अलग करते हैं। हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। दोस्तों ये ड्रोन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। चलिए इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रोन के फ्रेम को बनाना है और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप का। एक पाइप को हमने 3 फीट पे कट किया है और दो पाइप को हमने 1.5 फीट पे कट किया है। इन पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए हमने 2 4 mm का प्लाई कट किया है। इन पाइप को आपस में जोड़ के हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। ये है 30 एम्पियर का सेमोंग ESC जिसे हम 4 पीस यूज करने वाले हैं। 2 ESC हम एक साइड लगाएंगे और 2 ESC हम दूसरे साइड लगाएंगे। इस ड्रोन में मैं 22-12 हजार KV का 4 BLDC मोटर को यूज कर रहा हूँ। मोटर को फिक्स करने के लिए हमने मोटर क्लेम से एल्युमिनियम पाइप में मार्किंग करके ड्रिल किया है और इसी के ऊपर हम अपने मोटर को फिक्स करेंगे। अब हमें मोटर के 3 फेज वायर को ESC के 3 फेज के साथ सोल्डरिंग करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में चेंज करेंगे तो हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सेम ऐसा ही हमने दूसरे साइड भी किया है। मैं 2 ESC के मेन वायर को एक साथ जोड़कर उसमें XT60 कनेक्टर लगा रहा हूँ। अब हमें दोनों ESC के लीड को कट कर लेना है क्योंकि हमें इस वायर को लॉन्ग करना है। अब हमें इसके कवर को हटा करके अंदर के वायर को निकाल लेना है और सेम ऐसे ही हमने लीड के साथ भी किया है। अभी हमारे पास 6 वायर है लेकिन हम इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को कॉमन कर लेंगे और 2 सिग्नल निकाल लेंगे। ये है एक पुराना चार्जर का केबल जिसमें 4 वायर है और इस 4 वायर को हम इस 4 वायर के साथ जोड़ देंगे। सेम ऐसा ही हमने ESC वाले वायर में किया है और अब हमारा वायर लॉन्ग हो चुका है और 2 लीड निकल चुका है। सेम ऐसा ही हमने दूसरे साइड के 2 ESC के साथ किया है। अब हमें 4 mm के प्लाईवुड को 14x8 cm पे कट करना है। इस प्लाईवुड को हम अपने ड्रोन के सेंटर में लगा रहे हैं। अब हमें इसमें फ्लाइट कंट्रोलर लगाना है और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। ये है फ्लाई स्काई FSI-6S रेडियो ट्रांसमीटर और ये है इस ट्रांसमीटर का 10 चैनल रिसीवर। यहाँ आप अदर रेडियो ट्रांसमीटर को भी यूज कर सकते हो। रिसीवर को भी हम फ्लाइट कंट्रोलर के पास फिक्स कर लेंगे। अब हमें रिसीवर के चैनल नंबर 1 को फ्लाइट कंट्रोलर के एलरॉन से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें अपने मोटर 1, 2, 3 और 4 को फ्लाइट कंट्रोलर के M1, M2, M3 और M4 के साथ कनेक्ट करना है। ये है सनबोर्ड का एक छोटा सा पीस जिसे मैंने बनाया है और इस पीस को हमें अपने ड्रोन के इस वाले साइड में लगाना है और इसे मैं फेविक्विक से चिपका रहा हूँ क्योंकि इसी में हमारा बैटरी बेल्ट लगेगा और इसी के ऊपर हमारा बैटरी भी लगेगा। इसे मैंने दोनों साइड लगाया है क्योंकि इसमें हम 2 बैटरी यूज़ करने वाले हैं। और ये है हमारा इंडियन फ्लैग और इस फ्लैग को लगाने वाले हैं हम ड्रोन में। फ्लैग को रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 बूम मोटर का यूज़ कर रहे हैं और फ्लैग के ऊपर में हमने एक लकड़ी का बिट लगाया है और उसमें ड्रिल करके हम इस 2 बूम मोटर को उस लकड़ी में लगा देने वाले हैं
और इसके बाद हम इसे अपने ड्रोन में इंस्टॉल करेंगे। ये है एक लकड़ी का बीट और इसे हम अपने ड्रोन के दोनों साइड में लगाएंगे, जिसके ऊपर हमारा बूम मोटर फिक्स होगा। लकड़ी हम इसलिए लगा रहे ताकि हमारा रोलर और ड्रोन के फ्रेम के बीच में थोड़ा गैपिंग रहे। अब हमें इन दोनों बीट के ऊपर रोलर को फिक्स कर लेना है। यह है इस ड्रोन का लैंडिंग गियर और इसे भी मैंने 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप से बनाया है। इसे मैं अपने ड्रोन के चारों मोटर के नीचे में लगा लूंगा और इसे मैं स्क्रू से फिक्स करने वाला हूं। अब हमें दोनों मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ जोड़ करके एक कॉमन पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लेना है। यह है ब्रस्ट मोटर कंट्रोलर और इस कंट्रोलर को हमें बूम मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब हमें इस कंट्रोलर के लीड को अपने रिसीवर के चैनल नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर लेना है। ये है कनेक्टर जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में आता है और इस कनेक्टर से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के एलिवेटर, थ्रॉटल और रडर के सिग्नल वायर को अपने रिसीवर के चैनल नंबर 2, 3, 4 के सिग्नल वायर से कनेक्ट करेंगे। अब हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर को सेटअप करना है, तो सबसे पहले हमें जाना है मेन्यू में और इसके बाद हमें सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करना है। अब हमें ड्रोन टाइप सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्वाडकॉप्टर एक्स मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम अपने मोटर और प्रोपेलर का डायरेक्शन देख सकते हैं। अब हमें अपने ड्रोन को इक्वल सरफेस पे रख करके ACC कैलिब्रेशन करना है। अब हमें मोड सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर सेल्फ लेवल को ऑलवेज करना है। एंड लास्ट हमें रिसीवर टेस्ट के अंदर जाना है और एलेरॉन, एलिवेटर, थ्रॉटल, रडर का वैल्यू को जीरो कर लेना है। अब हमें ड्रोन के मोटर में प्रोपेलर फिक्स करना है और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 10 इंच का 2 क्लॉकवाइज और 2 काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स। इस ड्रोन में हम 11.1 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर का 2 बैटरी को यूज़ करने वाले हैं और ये है बैटरी बेल्ट जिससे हम इस बैटरी को अपने ड्रोन में फिक्स करेंगे। दोस्तों अब हमारा ड्रोन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ट्रांसमीटर को सेटअप करना है। सबसे पहले हम चैनल नंबर 2 और 4 को रिवर्स करेंगे। इसके बाद हमें चैनल नंबर 6 को VRB स्विच में सेट करना है, क्योंकि चैनल नंबर 6 के साथ ही हमने बूम मोटर का कनेक्शन किया है। अब हमारा VRB स्विच से चैनल नंबर 6 कंट्रोल होगा और चैनल नंबर 6 में हमने रोलर का कनेक्शन किया है। अब हम एक बार अपने ट्रांसमीटर को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा फ्लैग कैसे रोल हो रहा है। अब टाइम है इस ड्रोन को फ्लाई करके फ्लैग होस्टिंग करने का। ये फ्लैग होस्टिंग ड्रोन आप लोगों के लिए था, ताकि आप भी इस इंडिपेंडेंस डे अपना खुद का फ्लैग होस्टिंग ड्रोन बना सको। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भी फ्लैग होस्टिंग ड्रोन बनाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM जरूर करना, ताकि मैं आपके वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूं और लोग आपके भी ड्रोन को देख पाएं। और इस ड्रोन के पार्ट्स को बाय करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस ड्रोन को बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो। कैसे बात करना है उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।